पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। आपने लॉक कॉस्ट्यूम में जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे ट्रक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे मीरा रोड में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अपनी रूम पार्टनर को बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शव के टुकड़ों को कुकर में डालकर उबालता था और फिर मिक्सर में पीसता था और उसके बाद उसे फेंक दिया करता था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और घर से हत्या में इस्तेमाल सभी सामग्री भी जब्त कर ली गई है। इस हत्याकांड में मीरा भयंदर का कस्बा पूरी तरह से हिल गया है। यह घटना मीरा भयंदर फ्लाई ओवर के पास गीता नगर फेस 7 के पास गीता आकाश दीप नामक सोसाइटी के जे विंग में फ्लैट नंबर 704 में हुई है। इस फ्लैट में मनोज शाहानी उम्र 56 साल है और इसकी रूम पार्टनर मृतक सरस्वती वैद्य उम्र 32 साल एक साथ रहते थे। यह कपिल पिछले 3 साल से यहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। बुधवार को इस बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसियों को इस घर से बदबू आने लगी, तभी इन्होंने इसकी सूचना नया नगर पुलिस थाने को दी। नया नगर पुलिस जब घर में घुसी तो ये दर्दनाक घटना का पता चला। पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जानकारी सामने आ रही है कि इन टुकड़ों को कटर मशीन से काट कर कुकर में उबाल कर इसे फेंक दिया करता था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मनोज शाहानी को शक था कि मृतक सरस्वती वैद्य का कहीं और अफेयर चल रहा है और इसीलिए पिछले 3 से 4 दिनों से इन दोनों के बीच में मारपीट भी हो रही थी। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता कैदी करके सोसाइटी है, वहाँ पे 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कन्फर्म की। वहाँ पर लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिव्यू हो चुका था कि एक कपल था लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं वो एनालिसिस के लिए हमने जेजो हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में IPC सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर PI श्री बनपुटी कर रहे हैं।